अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ मेरी सब YouTube फैमिली अल्लाह के फजलो करम से अपने घरों में खुश व खुरम और आबाद होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल छुट्टियाँ बच्चों की हो चुकी हैं, छुट्टियाँ बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं और उनकी इंजॉयमेंट ये देखें। सबसे पहले तो इस फर्द से मिले, देखें कितना प्यारा मंकी है, मंकी डोंकी है और कितना क्यूट लग रहा है ये और कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो है मेरे बच्चे इन्हीं से मिलने आए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमने घर में रखा हुआ है और बच्चे इन्हीं से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए इनसे मिलते हैं। आई आपको भी मिलवाती हूँ और ख़ुद भी मिलती हूँ। गाइस, आर यू एक्साइटेड? कोई यस तो बोल ही नहीं रहा। यस यस एक्साइटेड। यस। अच्छा, तो हम भी बड़े एक्साइटेड है देखने के लिए, चलें आ जाए। और ये मिलिए एलिफेंट से, ये मिलिए जिराफ से, ज़बरदस्त। और यहाँ पर थोड़ा सारा मैं बड़ा शाय फील कर रही हूँ, क्योंकि हर बंदा जब देखता है तो आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि तब आपके लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को चूँकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बच्चे चाहते हैं कि हर रोज़ नया दिन हो और उनको नई नई जगह पर सैर करवाने के लिए लेकर जाया जाए ताकि वो इन्जॉय करें, क्योंकि ये देखें बच्चे यही समझ रहे हैं शायद ये कोई आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लेकिन ये देखें, बट ये ओरिजिनल के हैं, बब्बर शेर। ये हम ज़ेब्रा के कैच के पास है ना, और ज़ेब्रास जो हैं इस वक्त अपने खाना खा रहे हैं, फूड में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कितना स्वीट ज़ेब्रा है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत देखें किस तरह इसको प्यारे तरीके से बनाया है। और अक्सर हमने रग्स देखे हैं इस तरह के, मैट्स वगैरह आपके घरों में भी यूज़ हो रही है, ज़ेब्रा के कलर के होते हैं। सो मैं आपको यही एक एडवाइस करूँगी, जब भी कभी आप आएँ तो ज़ेब्रा जिस तरह इसके बहुत पास आ जाते हैं एनिमल्स के, तो प्लीज़ कोई शरारत या कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि जानवर तो एक्चुअली जानवर होता है ना। ये झूले भी हैं इसके साथ, अच्छा अच्छा, बड़ा एटमॉस्फेयर, बड़ा अच्छा है, हेल्दी सा है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, इंजॉय करें। और क्योंकि यही टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है और सर्दी में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, हर बंदा ईच एंड एवरीवन एंजॉय करते होंगे इस मौसम, इस वेदर को। और कितने प्यारे लग रहे हैं ये वॉक करते हुए, सुबह का टाइम है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। ये देखें पानी, और ये देखिए जी बोट्स चल रही है इसमें और बहुत ही प्यारी लग रही है, डक्स भी हैं वहाँ पर और माशाल्लाह ही प्यारा लग रहा है। और ये सारे स्विंग्स हैं साथ साथ, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितनी स्मूथ ये शिप्स चल रही हैं इसके अंदर। और ये देखें कितना प्यारा व्यू है, और हल्की हल्की सी ठंड के बाद जो ये सूरज हल्का हल्का सा निकलता है ना, और उसमें जो एक हल्की हल्की सी गर्माइश होती है और उसकी जो एक मज़ेदार सी इस ठंड के बाद जो रिलीफ मिलता है आप पर जब सूरज की किरणें गिरती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें, देखिए कितनी प्यारी प्यारी डक्स हैं। ओ गॉड, इधर लाओ डकी, डकी 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 जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इनके पापा और बच्चे जा रहे हैं शिप राइड पर, और बच्चे चूँकि बहुत ज़िद कर रहे थे हमने जाना है, इस वजह से ये राइड पर जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इन्हें। ये आ रहे हैं, हाँ।
इस वक्त हम राइड ले रहे हैं व्हील जेंट की, और ये झूला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं क्योंकि बहुत अरसे बाद इस तरह के झूलों में बैठी हूँ और मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, लेकिन व्यू देखने वाला है ऊपर से। और क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत खौफ है इन झूलों का, लेकिन फिर भी बच्चों ने ज़िद की और मैं बैठ गई। डर लग रहा है। फेस देखें, हल्का फेस दिखाओ, डर तो रही हो। आपका मज़ा। ये देखें जी, कैसा व्यू लग रहा है, आप सब बताइए। देखें, आपको आवाज़ शायद सुनाई दे रही हो, ये इतनी ज़्यादा आवाज़ है तो मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर जाकर फिर वापस आते हैं, तो मेरी बेटी भी मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है। अब रात हो गई है, बच्चों को एंजॉयमेंट करवा लिया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब पेट भर के मज़े से खाना खाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज का मेरा पहला व्लॉग, जो कि ये मेरी बहुत मैंने कोशिश करके छोटा मोटा जो दिखाने की मैंने कोशिश की है, आप सबको अच्छी लगी होगी। पसंद आए मेरा व्लॉग तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ अलजा स्मारा डेली व्लॉग्स। थैंक यू, बाय।